जय श्री कृष्ण मित्रों, ये जो फेसबुक का अकाउंट है ये शायद बहुत पुराना है, बहुत पहले का ये अकाउंट है। और मेरे कुछ मित्र इसमें जो कि 12वीं कक्षा में मेरे साथ ज्ञान मंदिर कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन मित्रों में से कुछ मित्रों ने कहा कि मुझे वो भजन सुनाइए। कौन सा? तो भजली राम वाला, क्योंकि वो जो भजन है 12th में सिंगिंग कंपटीशन हुआ था और वो सिंगिंग कंपटीशन में फाइनल में मैं इस भजन को गाकर पहुंचा था। और ये जो भजन है ये स्वनिर्मित है, स्वरचित है, मतलब एक बार हृदय में ये भाव उमड़ा और स्वयं दो चार कड़ियाँ बना ली और इस कड़ी के माध्यम से मैं उस सिंगिंग कंपटीशन के फाइनल में पहुंचा था। तो अभी भी वो जो मित्र हैं मेरे 12वीं के जो कि जुड़े हैं फेसबुक में मेरे, तो उन मित्रों ने आग्रह किया मुझे कि वो भजले राम सुनाइए। तो दो चार कड़ी जो मुझे याद आ रहा है मैं उसे गुनगुनाने का प्रयास करूँगा, आप लोग भी सुनिएगा कि कौतूहलवश या कि प्रेमवश जो कुछ भी कड़ियाँ निर्मित हो गई थी और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उस दो चार कड़ी ने मुझे फाइनल में पहुंचाया था सिंगिंग कॉम्पिटिशन के। तो मैं वो एक दो कड़ी गाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। ओ भजले राम, भजले राम, राम आएंगे तेरे काम। भजले राम, तेरे पूरे हों सब काम। भजले राम आएंगे तेरे काम। भजले राम तेरे पूरे हो सब काम। राम जपेगा तो भक्ति मिलेगी अरु शक्ति मिलेगी। राम जपेगा तो भक्ति मिलेगी अरु शक्ति मिलेगी। जीवन में छा जाए बस राम जी का नाम। जीवन में छा जाए बस राम जी का नाम। भजले राम तेरे पूरे हो सब काम। भजले राम आएंगे तेरे काम। भजले राम तेरे पूरे हो सब काम। भजले राम आएंगे तेरे काम। भजले राम तेरे पूरे हो सब काम। ये कड़ियाँ जो मेरे द्वारा निर्मित हुई थी और ऐसे ही एक दो कड़ी और होगी, मुझे भी स्मरण में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो स्मृति में आएगा तो उस कड़ी को भी गाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे सभी 12वीं कक्षा के मित्र जिन्होंने आग्रह किया कि ये भजले राम गाने के लिए, ये भजन उन लोगों के लिए, वो सुन करके आनंद करें। और आप सभी को भैया जिसने जिसने इस भजन को देखा या सुना, आप सभी को शुभ रात्रि। भैया विजय यादव जी, ब्रजराज जी, भैया दिवाकर कुमार और सुधीर सिंह जी और धीरज पंड्या, ये हमारे मित्र हैं जो कि हमारे साथ पढ़ते थे मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ पे मुलाकात हुआ धीरज पंड्या जी। और ये संतोष साप्टे जी, भैया आप पिंपलेश्वर मंदिर में कार्यरत हैं, आपकी सेवा को भोलेनाथ ने सराहा है और अपनी नौकरी प्रदान करी है वो। और बाकी जो जो यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, जो जो इस भजन को सुन रहे हैं, उन सभी को जय श्री कृष्ण, जय सियाराम।